Ecco, vabbè, per le sei i rimossi. चलिए करें बेटा स्टार्ट। कल जो हमने टॉपिक्स किए थे उसमें किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज जस्ट टेल मी, किसी ने कुछ भी पूछना है। नहीं नथिंग, होमवर्क नहीं दिया था, कुछ कुछ करने के लिए दिया था मैंने। किसी को पता है क्या दिया था? दिया भी था या नहीं दिया था? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। 61th क्वेश्चन, 10th डी में से पता लग रहा है मुझे। बाकी सब सेक्शन अभी देख रहे हैं, कुछ दिया भी था या नहीं दिया था, है ना? चलिए करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 61। वाह, हम ही करें बस सर, है ना? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 61th क्वेश्चन, सॉरी। द करंट थ्रू अ 12 वोल्ट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, व्हाट इज टंगस्टन? कोई बताएगा मुझे टंगस्टन क्या होता है? एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, टेंथ बी, यस बेटा, बोलो बोलो। कैन यू हियर? या हम मैं सुन रही हूँ बेटा आपको, यू आर ऑडिबल। अच्छा, 10th सर बात कर रहे हैं। सॉरी सर। इज सम डाउट विद दिस गर्ल, काइंडली लिसन। हाँ, श्योर सर, श्योर, यस बेटा। कैन यू एक्सप्लेन 48th क्वेश्चन? 48th क्वेश्चन, ओके बेटा, मैं ये कंप्लीट कर ले वर्कशीट, थोड़े से क्वेश्चंस रह गए, देन आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। ओके मैम। टुमारो यू वाज प्रेजेंट, सॉरी, यस्टरडे यू वाज प्रेजेंट, ओके, ठीक है जी। चलिए हम पहले एक बार ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेते हैं, देन आई कम बैक टू द 48th क्वेश्चन, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 61 हम कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, तो क्या आप मुझे बताओगे व्हाट इज टंगस्टन? सुना है कभी नाम? किसी ने देखा है टंगस्टन? किसी ने देखा है? नहीं देखा? सब देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है, आई थिंक। होता क्या है टंगस्टन, क्या चीज थी? यस, टंगस्टन इज अ मेटल, जैसे हमारी बाकी मेटल होती है ना, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, इट इज ऑल्सो अ मेटल बट विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, वो ट्रांसपेरेंट सा जो येलो लाइट देता है, वो वाला बल्ब किस किसने देखा था? हाँ, 10C में से काफी हैंड्स रेज हुए हैं। और 10C मैम प्लीज थोड़ा एक बार अनम्यूट करेंगे, मुझसे गलती से म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लेंगे आप एक बार? यस, येलो वाला बल्ब जो ट्रांसपेरेंट सा होता है, येलो लाइट देता है, किस किसने देखा हुआ है? जस्ट रेज वंस मोर योर हैंड। काफी स्टूडेंट्स ने देखा हुआ है, ठीक है? जिन्होंने वो बल्ब देखा है तो उन्होंने टंगस्टन भी देखा हुआ है। उस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है किस तरीके से, कुछ शेप का, दैट इज टंगस्टन, ठीक है? अभी देखा, ठीक है, वो ही टंगस्टन होता है। वो मेल्ट क्यों नहीं होता? बल्ब देखो, आपको पता है कितना ज्यादा हीटअप हो जाता है, बट फिर भी ये जो फिलामेंट होता है ये मेल्ट नहीं होता। द रीजन बीइंग बिकॉज दिस फिलामेंट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? एग्जैक्ट मुझे वैल्यू याद नहीं, शायद 3000 समथिंग इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है? 3000 डिग्री सेल्सियस समथिंग, कुछ और एडअप होगा इसके साथ, 3300 आई थिंक समथिंग है। तो
तो वो वैल्यू है इसके मेल्टिंग पॉइंट, राइट? चलिए तो आगे चलते हैं. इसका सिंबल क्या होता है मेटल का, टंगस्टन का? इट्स कैपिटल डब्ल्यू. ठीक है, चलिए. द करंट थ्रू 12 वोल्ट टंगस्टन, अगर मेरे को 12 वोल्ट एक वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, मुझे क्या पता है? ठीक है बेटे, ये उन बच्चों के लिए जरूरी है, कई काफी बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं समझ आती चीजें. मतलब पोटेंशियल, दैट इज वी इज गिवन. हम यूनिट से भी पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है. ठीक है, आगे कब चलते हैं. कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट एक्यूमुलेटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज 3 एम्पियर. नेग्लिजिबल, अच्छा 3 एम्पियर बोला गया है, तो अब ये क्या चीज गिवन है? व्हाट इज 3 एम्पियर? देखो मैं उल्टा चल रही हूँ, पहले मैं करंट इक्वल्स टू दिस नहीं लिख रही हूँ, फर्स्ट आई एम राइटिंग द वैल्यू, देन आई एम राइटिंग दिस पार्ट, ताकि आप इनकी यूनिट्स के थ्रू इनको पहचान सको कि न्यूमेरिकल में हमें क्या फिजिकल क्वांटिटी गिवन है. ठीक है, yes. चलिए, ये हमें बोला गया है. अब बोला गया है फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, R, and what is the formula of R? बताइए. Yes. R equals to V upon I. डाल दो values, बस कितना आ गया 12 by 3, which is equal to 4 ohms. चलिए second part. The power. Power. What is the SI unit of power? What is the SI unit of power? वेरी गुड. अब हमें पावर कैलकुलेट करनी है. हाउ विल यू कैलकुलेट पावर? स्क्वायर बाय आर. हाँ, तो देखो वी आई था एक बेटा हमारे पास फॉर्मूला, पावर का और कौन सा था? आई स्क्वायर आर. पावर इज वी स्क्वायर बाय आर एंड पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है जी, देखो क्या आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? और आर भी है, मतलब किसी किसी सिचुएशन में देयर यू हैव मल्टीपल ऑप्शन टू चूज द फॉर्मूला. कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो. तो क्यों हमने डिफिकल्ट वाले में जाने, व्हेन वी हैव द सिंपल ऑप्शन. वी इंटू आई, दिस विल बी 12 इंटू 3, which is equals to 36 watt. आप सिंपल W भी लिख सकते हो, राइट? यस. ठीक है, आपको फॉर्मूला देखो, अब यहां से आप हीट के सारे फॉर्मूला लिख सकते हो. अगर मुझे पावर के फॉर्मूलाज याद है और मुझे हीट के फॉर्मूलाज चाहिए, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर हम इनको मल्टीप्लाई बाय टी करते जाएंगे तो ये वी आई टी, और ये किसके फॉर्मूला बन जाएंगे सर? एंड सो ये कल हमने डिस्कस किया था. चलिए थ्री पार्ट, थर्ड पार्ट पर आते हैं हम. अब ये कह रहे हैं द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 5 आवर्स. इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है हमें. तो देखो पावर हमने कहा था कि वर्क और एनर्जी सेम थिंग होती है. एनर्जी का फॉर्मूला इज पावर इनटू टाइम. ठीक है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? फोर्थ थर्ड पार्ट में एनर्जी कैलकुलेट करनी है. एनर्जी इज ई. ई का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर. व्हाट इज पावर? ये अभी हमने कैलकुलेट की है, इट इज 36. अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जब हम एनर्जी निकालते हैं तो हम कौन से यूनिट यूज करते हैं, वॉट या किलोवाट? किलोवाट. अब जो वैल्यू है वो किस में है? तो पहले एक काम करो, इसको छोड़. पावर हमें कितनी मिली? 36 वॉट.
इसको किलो वॉट में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? डिवाइडिंग इट बाय 1000। 1000, तो ये कितना बन गया आपका? 0.036 किलो वॉट, राइट? यस अब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, एंड व्हाट इज पावर? जीरो पॉइंट 0.036 इनटू टाइम इज 5 आवर्स। टाइम इज ऑलरेडी इन आवर्स, मुझे चाहिए किलो वॉट आवर्स। अगर टाइम मिनट्स में होता या सेकेंड्स में होता तो मुझे टाइम को भी कन्वर्ट करना पड़ता इनटू आवर्स। तो अभी हमारे पास डायरेक्टली आवर्स में ही गिवन था, एंड व्हाट विल बी इट्स आंसर देन? इट विल गिव 0.18 किलोवाट पर आवर। ये सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस मच वैल्यू। राइट इसका हो जाएगा तो केस स्टडी रीड करना स्टार्ट कर देना। कंप्लीट हो गया बेटा, बोर्ड वाला पार्ट कंप्लीट है सबका। चलिए यस केस स्टडी रीड कीजिए जरा जल्दी से, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो पैराग्राफ है दैट इज रिलेटेड टू हीट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें। सबसे देखें चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट? ओके, कौन मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग एलिमेंट? हीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, कहाँ पर होता है हीटिंग एलिमेंट? 10th हेक्स, टेंथ हेक्स, महक, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग एलिमेंट? कंडक्टर में कंडक्टर में कहाँ पे कैसे यूज होता है, कोई बताओगे मुझे? थोड़ा एक्सप्लेन करो, मुझे क्लियर नहीं हुआ। यस, जिसमें से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है, करंट तो वायर्स में से भी फ्लो होता है बेटा। करंट तो वायर्स में से भी होता है, अलॉयज में से भी होता है, मेटल्स में से भी होता है। मतलब हीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? हाँ हीट रिड्यूस जी होना बेटा, जिसमें हीट रिड्यूस होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। कोई एग्जांपल देकर बताओ कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये हीटिंग एलिमेंट? कहाँ प्रेजेंट होता है? एनी एग्जाम्पल? हीटिंग एलिमेंट तो बहुत जगह पर यूज होते हैं। कल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, आयरन आयरन में, आयरन में कहाँ पर?
किस जगह पर होता है वो? नीचे। स्पेस के नीचे होता है, ठीक है, क्योंकि जहां हीट चाहिए वहीं पर ही होगा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, चलिए अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये बना किसका होता है जनरली, ज्यादातर किस चीज का बना होता है? यस, नाइक्रोम एलॉयज का, बेसिकली हम बोल सकते हैं एलॉयज का बना होता है, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो हीटिंग एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए? हीटिंग एलिमेंट ये कैसा होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा जो हमें हीट दे वो हीटिंग एलिमेंट हो जाएगा। अब वो जल्दी से अगर मेल्ट हो गया तो काम का नहीं है हमारा, और कम हीट देगा तब भी काम का नहीं है। तो कौन सी क्वालिटी इसमें सुइटेबल बन रही है इसकी, और कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ई कह रही है हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मींस, हाई रेजिस्टेंस मींस हाई क्या हो जाएगी इसकी? हाई रेजिस्टेंस मींस हाई हाई हीट होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा कल हमने किया था एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एच और अगर आर के रिलेशन में देखो तो एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीट भी ज्यादा, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहे हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट, बस ये तो क्लियर ही, अगर कम मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो एलॉय मेल्ट हो जाएगा, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो मेल्ट हो जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, अंडरस्टूड? चलिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब ये फ्यूज कहाँ यूज होते हैं, फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज करता क्या है, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी बता पाओगे। फ्यूज क्या करता है? फ्यूज का काम क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज एन एक्सेस ऑफ करंट, कभी कभी हमारी जैसे समर्स में जर्नली होते हैं ना, फ्लक्चुएशंस होती हैं लाइट के अंदर, दोज फ्लक्चुएशंस आर दोज ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ करंट। कभी करंट एकदम से ज्यादा पास होता है, कभी करंट कम पास होता है। तो वो फ्लक्चुएशन है, जब ज्यादा पास हो रहा है तो वायर्स क्या हो जाएंगी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अब उनको डैमेज से बचाने के लिए क्या यूज होता है? फ्यूज। एंड ये फ्यूज कहाँ होता है? हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर में होता है। बेसिकली इसमें क्या होती है, एक वायर होती है, जब भी इसके अंदर हाई करंट आएगा, हाई करंट होगा तो ये वायर क्या होगी, कहीं से ब्रेक हो जाएगी, मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगी, मेल्ट होगी पहले और फिर टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी कहीं से। तो क्या आप करंट आगे फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, उनमें करंट ही नहीं जाएगा, वो वर्क ही नहीं करेंगे। तो फ्यूज बेसिकली क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज काम क्या करती है? इट इज बेसिकली अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। नहीं, अब ये सेफ्टी डिवाइस का समझ आया, क्योंकि वायर ब्रेक हो जाती है, वो एक्सेस करंट को आगे फ्लो नहीं करने देती, राइट। तो इस बिहाफ पे मुझे बताइए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट तो ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस। चलो जो जरा क्या होना चाहिए बताओ जरा, लो रेजिस्टेंस ताकि करंट पास हो सके, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कि थोड़ा सा उसके लेवल से अगर ज्यादा करंट आया। हमारे फ्यूज ना अलग अलग डिवाइस होते हैं, कोई फ्यूज होता है 5 एम्पियर तक की रेटिंग के लिए, कुछ होते हैं 15 एम्पियर की रेटिंग के लिए, कि अगर 5 एम्पियर वाले फ्यूज में से 6 एम्पियर करंट पास करेगा तो इस फ्यूज की जो वायर है वो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी,
अगर 15 एम्पियर फ्यूज में से 6 एम्पियर करंट पास करेगा तो उसमें से करंट रनिंग पोजीशन में रहेगा, ठीक है। ये रेटिंग होती है, आपने देखे ना घर में एसी है और ओवन्स होते हैं, उनके जो प्लग होते हैं, स्विचेस होते हैं, वो मोटे मोटे होते हैं, बड़े बड़े, वो किस कौन से फ्यूज पे काम कर रहे हैं, वो 15 एम्पियर की रेटिंग वाले फ्यूज पर काम कर रहे होते हैं। जो छोटे होते हैं, 2 पिन प्लग हो गया, स्मॉल छोटे टेबल फैंस हो गए, वो किस पर काम कर रहे थे, ट्यूब लाइट्स हो गई, बल्ब्स हो गए, जो कम करंट लेते हैं, वो सब किस रेटिंग पर काम कर रहे होते हैं, किस फ्यूज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, 5 एम्पियर वाले फ्यूज पर, ठीक है। आया समझ? तो फ्यूज बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, लो रेजिस्टेंस ताकि करंट इजिली फ्लो करता जाए, बट मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हमें क्या चाहिए, लो चाहिए। ऐसा ना हो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, अगर मेरे पास एक वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई, इसमें से करंट पास होता रहेगा, एक्सेस करंट, 6 एम्पियर करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर वाले में से, बट ये मेल्ट ही नहीं हो रही है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ऐसा फ्यूज हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। समझ आई ये चीज? ठीक है, चलो आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 64, अ फ्यूज वायर मे सेट 5 एम्पियर, देखो अभी आ गया, एक वायर है, फ्यूज वायर है, जिसमें से अगर 5 एम्पियर तक का करंट पास हो गया तो वो वायर मेल्ट हो जाएगी। इट इज डिजायर्ड दैट फ्यूज वायर ऑफ द सेम मटेरियल मेल्ट एट 10 एम्पियर। अब क्या चीज है? हाँ जी, क्या किया गया, एक वायर है जिसमें से, लेट अस से ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इसमें से जब 5 एम्पियर का करंट पास होता है तो ये मेल्ट हो जाती है, ब्रेक हो गई कहीं से। अब कह रहे हैं कि मुझे इस वायर में से 10 एम्पियर का करंट पास करना है, आई नीड टू पास द करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो मैं इस वायर में क्या चेंज करूं ताकि करंट जो है 10 एम्पियर इजिली फ्लो हो सके। क्या करेंगे हम? द न्यू रेडियस ऑफ द वायर इज, ओके, दिया हुआ है कि रेडियस का क्या करें, उसकी थिकनेस का क्या करें, 10 एम्पियर करंट पास हो जाए। ऑब्वियसली देखो बेटा, थिकनेस हमें क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब जो घरों में हम देखते हैं कि कुछ वायर्स होती है पतली पतली सी होती है, देखिए ना सबने कनेक्टिंग वायर्स, अब एसी की वायर कैसी होती है, ऐसी होती है ना मोटी सी, थिक होती है ना एज कम्पेयर टू अनदर वायर्स। इस वायर में से कम करंट, लेस करंट पास करेगा और इधर से मोर करंट पास करेगा, तो अगर मुझे यहाँ पे 5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर करंट पास करवाना है तो ऑब्वियसली मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, थिकनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ आई बेटा बात? थिकनेस कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, करंट कितना किया हमने, 5 का क्या बना दिया, 10 बना दिया, तो करंट मैंने क्या किया, डबल, तो थिकनेस भी कितनी करनी पड़ेगी मुझे। हमारा क्वेश्चन ये चल रहा था, कंटिन्यू करते हैं, 5 एम्पियर 10 एम्पियर, ठीक है। इसमें क्या क्या, अगर करंट डबल हो गया, इफ द करंट इज डबल देन हमें वायर की थिकनेस को भी डबल करना पड़ेगा, ठीक है, वायर की थिकनेस को हमें क्या करना पड़ेगा, डबल। आंसर दें, कौन सी ऑप्शन राइट होगी, ए बी सी डी, बी ऑप्शन, ठीक है, बी, 4 टाइम्स हमें इसको इंक्रीज करना, ठीक है। और अगर मुझे बोल देते कि करंट 2.5 एम्पीयर पास करना है, तब मुझे क्या करना पड़ता, वायर में से अर्लियर करंट वाज 5 एम्पीयर,
Now I need to pass the current 2.5 ampere from the wire. So how should I change the thickness of wire? कैसे change? Half हो जाएगी, half हो जाएगी, और भी length same रखनी है. Length को change नहीं कर रहे हैं हम. ये जो thickness है ये क्या हो जाएगी? Half कर देंगे. ठीक है बेटा? Is that clear? Yes. Come to question number 65. Question number 65. When a current of 0.5 ampere कर लो बेटा, उसके साथ unit नहीं लगी हुई है, 0.5 A कर लीजिए. When a current of 0.5 ampere passes through a conductor for 5 minutes. Current देखो 5 ampere है, sorry 0.5 ampere. Ampere is the unit of? For 5 minutes. 5 minutes means time. So I need to change this time into seconds. 60. How much will be the time? 360. And the resistance of a conductor is 10 ohm. 10 ohm. Ohm kiski unit hoti hai? Resistance. Resistance. R ki value hai. Amount of heat produced. This I need to calculate. Now, heat ke formulas dekho. Kaun-kaun si conditions given hai aur kaun sa formula apply kar sakte ho. Heat ka formula? IT. Can I use this? Very good. H is equals to? I square I V. Very good. Chaliye value substitute kijiye and get tell me the answer. 750 जूल. जिन्होंने नहीं किया डू इट फास्ट. जल्दी से वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड गेट द आंसर. सेवन फिफ्टी जूल. शाबाश. द आंसर विल बी 750 जूल. 0.5 होल स्क्वायर. R is 10, E is 300. Then when you will solve this, you will get 752. ठीक है बेटा. So this worksheet is completed. कुछ रहा तो नहीं इसमें कोई क्वेश्चन? Assertion reason कल हमने कर लिए थे डिस्कस. हाँ. 10th सी में से आई थिंक किसने डाउट पूछा था मुझसे? 48th क्वेश्चन 10th सी में से पूछा था ना, उस सर वाली क्लास से. आई थिंक 10th सी नहीं है, बी से पूछा था. बी भी नहीं है, 10th बी से था. और किसी का डाउट तो नहीं है 48th क्वेश्चन? Yes. Tenth B नहीं है. चलिए अगर tenth भी join कर लेते then I will discuss this question. अगर और किसी का doubt नहीं है. Question number मैं question dictate कर रही हूँ, just note it down. जल्दी से question लिखिए जरा. When two resistors are joined in series, ये आवाज आ रही है? तो लिखिए जरा. When two resistors are joined in series, the equivalent resistance is 90 ohms. Is 90 ohms. आगे लिखिए. When the same resistors
आर ज्वाइंड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 20 ohms. The equivalent resistance is 20 ohms. What will be the resistance of two resistors? What will be the resistance of two resistors? Done? Okay, beta. Chill. Now, what is the question saying? There are two resistors. ठीक है, लेट अस से मेरे पास आर वन एंड आर टू आर टू रेजिस्टर. ठीक है, देर आर टू रेजिस्टर, हम लेट करके चलते. ठीक है, जब इनको कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, मींस लाइक दिस, व्हेन आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन टोटल रेजिस्टेंस इज आर वन प्लस आर टू, एंड हमें आर एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90. Can I mark it equation 1? Yes. चलिए. Second case में क्या कह रहे हैं कि when these two resistors are connected in parallel, जब इनको parallel में connect किया गया, तब कैसे होंगे? इस तरीके से and इस तरीके. Right? This is R1 and R2. So what is the formula to find the resistance in parallel? 1/RP = 1/R1 + 1/R2. तो सॉल्व कीजिए, 1/RP तो आपको मिलेगा R1 + R2 / R1. अब रेसिप्रोकल अगर मैं ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, RP = R2/R1 + R2. व्हाट इज RP गिवन, 20, एंड ये आ गया R1 / R2 / R1 देखिए, अब ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन. लेट अस से अब मेरी जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, क्या हम यहाँ से, जैसे अगर आपके पास गिवन हो x + y = 90, लेट अस, तो क्या आप x को 90 - y लिख सकते हो? Yes. तो सिमिलरली कैन आई राइट R1 = 90 - R2? ये है ना मेरे पास R1 + R2 = 90, ये है मेरे पास. तो इसमें से हम किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आइदर R1 or R2. R1 कितना है, 90 - R2. नाउ आई यूज दिस वैल्यू ओवर हियर. सिंपल एलजेब्रा है अब आपका, सिर्फ एक्स और वाई की जगह R1 R2 आ गया आपके पास. ठीक है, क्या आ गया आपके पास, R1 R2. अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दूं, 20 = xy / x + y, तो क्या आप कैलकुलेट कर लोगे? कर सकते हो ना, मेरे 20, R1 की जगह मैंने लिखा 90 - R2 × R2 R1 + R2. और 10C बेटा, मैंने क्वेश्चन अभी डिक्टेट करवाया था, तो या तो मैं बाद में आपको बताती हूँ क्वेश्चन. एक बार सॉल्यूशन नोट कर लेना इसका, कैसे कर लूँ, ऐसे ही नोट करने, फिर मैं आपको समझा देती हूँ क्या किया इस क्वेश्चन. अब हमने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 20 R1 + R2, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा. अच्छा, यहाँ R1 की वैल्यू भी तो डलेगी, यहाँ पे भी डाल दो 90 - R2. ठीक है, तो ये आपका बना 20 = 90 R2 माइनस आर टू स्क्वायर. ठीक है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको. तो 90 R2
90 आर टू माइनस आर टू स्क्वायर। देखो देखो बेटा, अब ये ना आर टू स्क्वायर में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको लिख लो, लेट कर लो, आर टू को अगर आप एक्स मान लो, तो कैन यू सॉल्व दिस? ये आपका बना 1800 90 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, शिफ्ट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस 1800 इक्वल्स टू जीरो। कैन यू मेक द फैक्टर्स? यस करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 30 एक्स, थोड़ा सा अलजेब्रा आ गया इस क्वेश्चन में ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज है, चलिए आगे। तो एक्स 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 प्लस माइनस 60 ये प्लस होगा, प्लस 1800, द फैक्टर्स आर एक्स माइनस 60 एंड एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू जीरो और एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू जीरो। एक्स की वैल्यू या तो 60 होगी या एक्स की वैल्यू 30 होगी। तो x क्या था हमारा, r2 था, देखो हमने यहाँ पे लिया था r2 की वैल्यू या तो 60 ओम होगी और r2 की वैल्यू 30 होगी, ठीक है जी। इस पहले ये पोर्शन है, फिर ये है, फिर नीचे वाला है, फिर हम इसके बाद ऊपर आए हैं, ठीक है। R2 की 60 ohms या 30 ohms, अगर R2 की वैल्यू 60 ohms लेते हो तो यहाँ डाल दो 60, तो R1 आ जाएगा आपका 30, ठीक है। अगर R2 की वैल्यू 30 लेते हो तो R1 आपका हो जाएगा 60 ohms, ठीक है। मैं यहाँ कर दू, अब देखो R1 प्लस R2 आपके पास है 90, इफ यू चूज R1 इक्वल्स टू 60 तो R1 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 30 है। और अगर आप R2 लेते हो 30, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 60 है, माइनस हो जाएगा ना उधर जाके, तो ये आंसर आएगा। देखो कौन सी करेक्ट ऑप्शन, यू आर गेटिंग दिस फॉर 60, अगर R2 60 है तो R1 30 होगा, अगर R2 30 है तो R1 60 होगा। Can see, आप बेटा एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन, इतनी देर मैं डिक्टेट कर रही हूँ, बाकी सब नोट कर दें, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, ठीक है। When two resistors are joined, when two resistors are joined in series, the equivalent resistance is 90 ohm. Equivalent means total resistance, right? The equivalent resistance is 90 ohms. When the same resistors, when the same resistors are joined in parallel, are joined in parallel, the equivalent resistance is 20 ohms. Are joined in parallel, the equivalent resistance is 20 ohms. What will be the resistance of two resistors? What
what will be the resistance of two resistors? Complete class 10 C. Done. When two resistors are joined in series, the equivalent resistance is 90 ohms. When the same resistors are joined in parallel, the equivalent resistance is 20 ohms. What will be the resistance of two resistors? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लेम कर रही हूँ एक बार फिर से. देखिए हमें बोला गया देर आर टू रेजिस्टर्स आर वन एंड आर टू, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर रेजिस्टेंस इज 90. सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू. मैंने आर एस की वैल्यू डाली, मुझे गिवन थी, तो दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अगेन दे आर सेइंग व्हेन दीज टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द टोटल रेजिस्टेंस इज 20 ओम. क्या दिया हुआ है, 20. ठीक है, तो ये तो सारा बेसिक सा पार्ट था. तो ये देखो पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू. तो इसका एलसीएम ले लिया, आर वन प्लस आर टू हो गया, सब हमने इसको सॉल्व कर लिया. ठीक है, फिर मैंने आर पी की वैल्यू डाल दी 20 और साथ के साथ मैंने आर वन की वैल्यू डाली फ्रॉम दिस साइड. ये देखो अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं, आर वन को यही रखो, आर टू को इधर, अगर मैं इसको लिखूं आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 90, तो आर वन की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 90 माइनस आर. तो जहां जहां आर वन था वहां वहां मैंने 90 माइनस आर टू सब्स्टिट्यूट कर. ठीक है, फिर सिंपल बेटा ये अलजेब्रा था आपका, कैलकुलेशन पार्ट था. ठीक है, आर टू प्लस माइनस कैंसिल हो गया है, 90 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1800 बन गया. ठीक है, यहाँ पे मैंने R2 को मल्टीप्लाई कर, ब्रैकेट ओपन हो गई, हमने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. R2 में अगर डिफिकल्ट लगता तो R2 को टाइमिंग आप X सपोज कर दीजिए. ठीक है, X सपोज कर लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसके मेरे को फैक्टर्स मिले 8 एंड 6, माइनस 30 एंड माइनस 6. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक यू आर द 10th क्लास स्टूडेंट, सबको आती होगी. यस, तो हमने फैक्टर्स जब इनको सॉल्व किया तो I got x equals 60 और x equals to 30. x क्या था हमारा, R2 था, तो x is R2, R2 कितना आया 60 ohms, और या फिर R2 की वैल्यू में 30 ohms. तो वैसे तो यही क्वेश्चन आप MCQ है तो खत्म कर सकते हो. R2 की वैल्यू आपको देखो कौन कौन से ऑप्शन में, दो तीन ऑप्शंस में है, रादर 30 ohms. तो हमें R1 अब चेक करना पड़ेगा. तो मेरे पास ये फॉर्मूला था आर वन, ये वाला था ना, चाहे आप इसमें ही डायरेक्टली डाल दो आर वन. आर टू की वैल्यू अगर मैंने 60 डाली तो आर वन मेरे पास आएगा 30, और अगर मैंने आर वन की वैल्यू 30 डाली आर वन मेरे पास आ जाएगा 60. तो देखो कौन सा पेयर मैच हो रहे हैं, विच पेयर इज मैचिंग. Yes. Which part is the right answer? बताइए. देखो R2 की वैल्यू हमें 60 और 30 दो मिल रही है. R1 की अगर 60 है तो R1 की 30 है और R2 की 60. या तो ये पेयर राइट होगा या ये वाला पेयर राइट होगा. देखो कौन सा आंसर सही जा रहा है, आर वन 60 और आर 30. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है बेटा, टेंथ भी आई नहीं, जिसने मुझसे डाउट पूछा तो वो क्लास ही नहीं है ज्वाइन हो पा रही है, क्वेश्चन आई गया डाउट वाला. चलिए
समझ आ गया बेटा सबको। थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस क्वेश्चन। चलो, तो नाउ बाय एवरीवन, उम्मीद बाय। हो गई आपकी, ठीक है, ओके बच्चे, बाय एवरीवन। बाय।